हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो फिलहाल में ही टिकटॉक पे वायरल हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, वीडियो एक लड़का ने बनाया है। इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ चुके हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले कुछ इस टाइप के एक वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो टी शर्ट हो या शर्ट हो, आपको एक कलर का होना चाहिए। जो कलर का आपका टी शर्ट या शर्ट है, वही कलर आपको बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। वीडियो शूट करते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक प्लस का इन्वेस्ट एप्लीकेशन का लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को वीडियो के अकॉर्डिंग आपको सेट कर देना है। इसके बाद डन करना है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और यहाँ पर आपको वही वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए हुए हैं। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद वीडियो को हमें 10 से 12 सेकेंड तक रहने देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो फिर से हमें इसी वीडियो को भी ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपको रिमूव हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऑफ साइड के बगल में एक और बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आपका फुल साइज में हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्रोमा की को इनेबल कर लेना है। कलर की पे आना है, यहाँ पे आपको वही कलर सेलेक्ट कर लेना है जो आपको टी शर्ट या शॉर्ट का कलर है। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का पहना हो तो रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सही से एडजस्ट करना है। देख सकते फिर से यहाँ पर काफ़ी ब्लैक दिख रहा है, तो शो मास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो टी शर्ट हो या शर्ट हो वो आपको ब्लैक कलर का होना चाहिए और बाकी का पार्ट आपका वाइट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शर्ट तो हमारा यहाँ ब्लैक हो गया, लेकिन फेस भी यहाँ पे गोरा हो चुका है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो आपका जो होता है टी शर्ट या शर्ट का होता है और इस साइड का जो होता है ये आपका फेस का होता है। तो इससे आपको जिधर कर इस साइड कीजिएगा तो आपको फेस जो यहाँ पे गोरा होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं इसे। कर दिया हूँ। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, अगर फिर भी एडजस्ट नहीं होता तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सिंपल इसके बाद डन करना है। अब देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से वीडियो सेट हो चुका है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको कुछ इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। तो जिस साइड में आपको शॉर्ट या टी शर्ट दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, उस पार्ट को आपको एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। तो वीडियो आपका कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। वीडियो आपका तैयार हो चुका है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट ऑफ करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, इसी वीडियो के साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।